आखिरकार 9 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को पहला अपना स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विजार्ड इन्फो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि INS विक्रांत के बारे में, जिसको कि कल ही के दिन भारतीय नौसेना को दे दिया गया है और जिसका कमीशनिंग अगले महीने तक हो जाएगा यानी कि 15 अगस्त को ऐसी संभावना है। दोस्तों चलिए इस वीडियो में समझते हैं आखिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या खासियत है कि इसको काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना देती है। तो आपको बता दें कि इसका निर्माण जो है वो कोची CPR लिमिटेड में किया गया है और इसको बनाने में लगभग $3.1 बिलियन का खर्च आ चुका है। दोस्तों बात यह है कि सबसे पहले तो इसका जो बजट बनाया गया था वो $0.5 बिलियन बनाया गया था, मगर इसमें इसका खर्च बढ़ता गया और आखिरकार इसका जो कुल मिलाकर के खर्च बैठा है $3.1 बिलियन। अभी आने वाले वक्त में इस पर 2 विमानों का टेस्टिंग चल रहा है जो कि F-18 हॉर्नेट है और राफेल विमान। दोस्तों आप सभी लोग पता होगा कि इन दोनों की टेस्टिंग फाइनल हो चुकी है और नौसेना भी अब यह डिक्लेयर करने वाले कि आखिर इन दोनों विमानों में से कौन विमान को खरीदा जाएगा ताकि इस INS विक्रांत पर इस विमान को रख करके उड़ाया जाएगा। वैसे पहले तो इस पर MiG-29 को ही ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में राफेल या F-18 को इस पर चलाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग इसके थोड़ा स्पेसिफिकेशंस की। तो बता दें कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो लंबाई है वह 262 मीटर है और यह 4 गैस टरबाइन इंजन से चलती है और इसके जो मैक्सिमम स्पीड है वो 28 समुद्री मील है और इसे बनाने में हम लोग हिंदी भाषा में बात करें तो 20,000 करोड़ का खर्च हुई है। वैसे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फरवरी 2009 में शुरू हुआ था और इसको 2013 में लॉन्च कर दिया गया था, मगर पूरी तरीके से इसके सभी टेस्टिंग करने के बाद आखिरकार 2022 में इसको नौसेना में शामिल किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसे बनाने में जो सामान का इस्तेमाल हुआ है उसमें 76% स्वदेशी है और विक्रांत की डिलीवरी लेने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर में फिक्स्ड विंग और रोटरी दोनों तरह के एयरक्राफ्ट रखे जा सकेंगे और इससे 30 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने की क्षमता है, फिर चाहे MiG-29 फाइटर जेट, Kamov-31, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हो या स्वदेशी एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर या लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। विक्रांत के नेवी में शामिल होने से नेवी की जो क्षमता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला है। दोस्तों आप सभी लोग पता होगा चीन लगातार आक्रामक रवैया दिखा रहा है और सबसे ज़्यादा अपनी नेवी को मजबूत करने में लगा है, तब भारतीय नौसेना की क्षमता में तेज़ी से इजाफा जरूरी है। दूसरा एयरक्राफ्ट मिलने में भारतीय नौसेना की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि भारत अभी फिलहाल एक जो कि INS विक्रमादित्य है उसको ऑपरेट कर रहा है और इसीलिए चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत भी अपनी नौसेना को काफ़ी मजबूत करने में जुट चुका है पूरी तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें।